तो दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में टीवीएस स्टार सिटी प्लस की जो Bs6 इंजन के साथ कंपनी ने दोस्तों मार्केट में उतार दी है। और दोस्तों हमने इसका ये वेरिएंट लिया है डुअल टोन वाला। अगर आप इसको खरीदने का मन बना रहे हैं अभी के समय में यानी कि 2020 के मार्च और अप्रैल के मंथ में, तो इसकी सही कैश प्राइस और इसकी ईजी फाइनेंस डिटेल क्या होगी दोस्तों हम आपको बताएंगे छोटी सी वीडियो में, जिससे कि आप इसको आसानी से किस्तों पर भी खरीद पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। तो पहले बात करते हैं इसके कैश प्राइस से, तो TVS स्टार सिटी प्लस जो कि इसका डुअल टोन वाला ये वेरिएंट है और ये Bs6 इंजन के साथ दोस्तों अपडेट हो चुकी है। तो अगर आप इसको खरीदते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के शहर से, तो इसकी एक्सशोरूम प्राइस पड़ेगी 61,710 रुपये और इसके रोड टैक्सीज और प्रोसेसिंग फीस को जोड़कर RTO चार्जेस बनते हैं इसके लिए 7,671 रुपये और दोस्तों इंश्योरेंस चार्जेस के लगेंगे इस पर 5,921 रुपये। कुल मिलाकर सारे टैक्सेस को जोड़ने के बाद इसका कैश प्राइस निकल के आता है 75,302 रुपये। तो ये है दोस्तों TVS स्टार सिटी प्लस Bs6 इंजन आने के बाद 12 टोन वाले वेरिएंट की कैश प्राइस डिटेल। दोस्तों आप चलेंगे फाइनेंस की तरफ। मान लीजिए अगर आप इसकी डाउन पेमेंट करते हैं 17,000 के आसपास यानी कि 17,081 की, तो इस पर आपका लोन अमाउंट बनता है 58,221 रुपये। दोस्तों अगर आप इसको फाइनेंस करा लेते हैं 2 साल के लिए यानी कि 24 महीनों के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% लगाने पर इसकी हर महीने की किस्त निकलती है 2,754 रुपये, जो कि आपको 2 साल यानी कि 24 महीनों तक पे करनी होगी। और टोटल आपका एक कॉस्ट पड़ेगा 2 साल में इस बाइक के लिए 83,177 रुपये। तो दोस्तों यह है इस बाइक की फाइनेंस की डिटेल। और दोस्तों एक बार मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूँगा कि दोनों डिटेल जो हमने बताई हैं कैश की और फाइनेंस की, ये हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर की अभी के समय में। दोस्तों अगर आप गाजियाबाद से लेंगे इसको तो आपको यही प्राइस देखने को मिल जाएगा। अगर आप गाजियाबाद से बिलोंग नहीं करते तो दोस्तों आप हमें कमेंट करना ना भूलिएगा। इसकी प्रॉपर डिटेल मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।